वाज शहर में नल कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली करने को लेकर वार्ड क्रमांक 15 अमोदा और शांति नगर के रहवासी नगर निगम पहुंचे और नगर निगम आयुक्त के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि वार्ड 15 श्रमिक बस्ती है और BPL धारी निवास करते हैं। नगर निगम द्वारा नई पाइपलाइन डाली जा रही है। पुरानी लाइन के वैध कनेक्शन को नवीन पाइपलाइन में ट्रांसफर करने के नाम पर प्रति व्यक्ति ठेकेदार द्वारा 1700 की वसूली की जा रही है। इसी को लेकर रहवासी नगर निगम पहुंची और शिकायतें दर्ज कराई है। हमारा मामला है, हम उपायुक्त से साहब से मिलने आए थे। वार्ड क्रमांक 15 अमोना और शांति नगर के अंदर जो नल कनेक्शन किया जा रहा है, हमारे विधिवत तरीके से 2650 रुपए में कनेक्शन आज से 8 साल पहले हो चुके हैं। अब नगर निगम ने विधिवत तरीके से लाइन चेंज की है तो वो 475 रुपए की रसीद भी हम क्यों कटवाएं? अगर नगर निगम ने कनेक्शन किया है तो नगर निगम खुद कनेक्शन करके देना, ट्रांसफर वो करें। उसके बाद भी वहाँ पे ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली 1700, 1800, 2000, 2500 किसी से क्या अवैध वसूली के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। हम गरीब बस्ती में रहने वाले श्रमिक क्षेत्र हैं, कोरोना महामारी के चलते वैसे ही हम 4 महीने से घर बैठे हुए हैं। हम पैसे की बंदोबस्त कहाँ से करेंगे और कहाँ से इनका पैसा भरेंगे, जबकि हम नगर निगम में 150 रुपये मंथली चार्ज पहले ही दे चुके हैं। हर महीने का जो बिजली बिल नगर निगम का बिल आता है नल कनेक्शन का, वो भी दे रहे हैं। आमो नाम है, वार्ड क्रमांक 15 आमो नाम है। 15 दिनों से पाइपलाइन खुदी हुई पड़ी है। ठेकेदार द्वारा वहाँ पे जिस जो व्यक्ति अमृत योजना की पाइपलाइन डाल रहा है उनके द्वारा नल कनेक्शन कराने के नाम पर लोगों को शिफ्टिंग करने के नाम पर 1500, 2000, 3000 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। 15 दिन से हमने नगर निगम के संबंधित उस क्षेत्र के इंजीनियर को शिकायत करी। इंजीनियर भी उनके साथ में मिले हुए हैं, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए हम आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और स्थानीय रहवासियों को लेकर जिन लोगों से पैसे लिए वो शिकायत करने आए कि अवैध वसूली किस बात की जा रही है। ठेकेदार का नाम हमने दिलीप मालवीय ने बताया, पप्पू चौहान। अच्छा, पप्पू चौहान को दिया हमने नल कनेक्शन करने का ठेका। आयुक्त साहब से भी इनके पहले बात हुई, आयुक्त साहब ने बोला आज राज्यपाल जी का देहांत हो गया इस कारण सब नगर निगम में अस्त व्यस्त है, लेकिन उपायुक्त साहब ने बोला कि मैं मौका देख के अभी उस समस्या का हल कर रहा हूँ। अभी जाएंगे और अगर दो रोज में समस्या का हल नहीं हुआ तो हम और उग्र आंदोलन वहाँ की जनता को लाकर करेंगे। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।